नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज जो है आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्रिकेट की न्यूज निकाल के लाया, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हाँ, आप सभी ने जो है कल के वीडियो में बहुत ज्यादा लाइक दिया, प्यार दिया, कमेंट किया। दोस्तों आपसे जो है आज भी यही उम्मीद है कि आप जो है आज भी इस वीडियो को जरूर से लाइक करो ताकि मेरे को अच्छा लगे और मैं जो आप सभी के लिए ऐसे ही रोजाना क्रिकेट की न्यूज निकाल के लेते आता रहूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। सबसे दोस्तों पहली खबर आ रही है, वो आ रही है अजिंक्य रहाणे को लेके। दोस्तों अगर आप सभी जो है अजिंक्य रहाणे के फैन हो तो आप सभी जो है बखूबी जानते होंगे कि रहाणे को जो है नंबर 4 पे वनडे में मौका मिलना चाहिए, जिसको लेके जो है अजिंक्य रहाणे ने नाराजगी और साफ साफ जो है अपना बयान दिया है दोस्तों, और कहा है कि रहाणे जो है अभी भी टीम इंडिया के लिए वनडे में नंबर 4 के पोजीशन पे खेल सकते हैं, जो कि एकदम बेस्ट चॉइस है। दोस्तों हाल ही में जो है टीम इंडिया ने वनडे में बहुत सारे खिलाड़ियों को नंबर 4 पे आजमाया है और दोस्तों अभी तक जो है नंबर 4 पे कोई भी फिट बैठ नहीं पाया। दोस्तों अभी जो है अजिंक्य रहाणे के पास मौका है, अगर दोस्तों अपनी बेसिस से रहाणे को मौका देती है नंबर 4 पे तो रहाणे जो है बड़ा स्कोर करके दिखा सकते हैं। ऐसा जो है रहाणे ने खुद कहा है कि वो जो है नंबर 4 पे दोबारा से एक और मौका चाहते हैं। तो आप सभी क्या सोचते हो बताओ नीचे कमेंट करके। दोस्तों ये जो है खबर आ रही है, यहाँ पे दोस्तों दो जो है पूर्व खिलाड़ियों के बीच में जंग छिड़ी है ट्विटर के ऊपर। उनका नाम है गौतम गंभीर और बिशन सिंह बेदी। तो गंभीर जो है हमेशा हम सभी को पता है, हमेशा जो है गंभीर एक दो चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों इस बार जो है बिशन सिंह बेदी, जो कि दोस्तों अपने टाइम के एक बहुत ही दिग्गज स्पिनर हुआ करते थे, दोस्तों उनके साथ में जो है गौतम गंभीर की जो है थोड़ी अनबन हो चुकी है, जो कि मसला है नवदीप सैनी को लेकर। तो सैनी जो है हाल ही में अपना डेब्यू किए भारत के लिए और काफी अच्छा खेल दिखाए, जिसको दोस्तों जो है गंभीर ने कहा है कि नवदीप सैनी जो है दिल्ली में रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं दिल्ली की टीम की तरफ से। वहीं जो है बिशन सिंह बेदी ने कहा है कि नवदीप सैनी जो है दिल्ली की तरफ से खेलना नहीं चाहिए। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है, दोस्तों वो आ रही है स्टीवन स्मिथ को लेके। भाई स्मिथ जो है टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है एक साल के बाद और लगातार जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे। स्मिथ जो है पहले एशेज मुकाबले में पहले इनिंग में मारे सेंचुरी और उस सेकंड इनिंग में भी जो है स्टीवन स्मिथ ने मार दी सेंचुरी। तो भाई यहाँ पे जो है एक अनोखा रिकॉर्ड बन चुका है कि दोस्तों 2002 के बाद जो है एशेज में कोई भी खिलाड़ी ने दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी है तो उसका नाम है स्टीवन स्मिथ। दोस्तों 2002 का जो रिकॉर्ड था उसको जो है स्मिथ ने तोड़ दिया कि एशेज के दोनों इनिंग में सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड अभी जो है नया रिकॉर्ड स्टीवन स्मिथ के नाम पे जाता है। भाई जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट की तब जो है स्टीवन स्मिथ एक बेस्ट खिलाड़ी बनके उभरते हैं, वहां पर जो है स्टीवन स्मिथ ने अपने आप को लगभग साबित सा कर दिया है। अब दोस्तों ये खबर आ रही है ऋषभ पंत को लेके। ऋषभ पंत को जो है काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पे जो है कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत क्या वो खिलाड़ी है जो कि धोनी की जगह लेंगे भविष्य में। तो दोस्तों ऐसे में जो है ऋषभ पंत को सिर्फ आईपीएल के बलबूते पे मौका नहीं मिलेगा, उनको जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपने रन बनाने पड़ेंगे, तब जो है ऋषभ पंत अपनी जगह बना पाएंगे। दोस्तों जो पंत का फॉर्म है आईपीएल में काफी अच्छा है, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल क्रिकेट की तो वहां पे जो है ऋषभ पंत ने कुछ ज्यादा अच्छा करके नहीं दिखाया। दोस्तों ऐसे में जो है पंत को बहुत जल्द अपना बल्ला बुलवाना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब दोस्तों बात करते हैं विराट कोहली की। दोस्तों यहां पे जो है विराट कोहली ने साफ साफ संकेत दे दी है कि अपनी जो है टीम इंडिया ऑलरेडी सीरीज को जीत चुकी है T20 की, अभी बाकी है तीसरा T20 मुकाबला। तब दोस्तों उसके अंदर जो है विराट कोहली ने कहा है कि वो जो है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है जैसे कि राहुल चहर, दीपक चहर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, दोस्तों इन चार जो है प्लेयर को मौका मिल सकता है तीसरे T20 के मुकाबले में। यहाँ पर जो है ऑलरेडी टीम इंडिया सीरीज को जीत चुकी है दोस्तों, कुछ जो है नए खिलाड़ियों को विराट कोहली जरूर से मौका देना चाहेंगे आखिरी T20 में। अब दोस्तों ये जो है सबसे बड़ी और बहुत ही बड़ी खबर मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ, जो कि अभी तक आप सभी को किसी ने भी बताई नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है लद्दाख जो दोस्तों है लद्दाख, तो लद्दाख जो है
नेक्स्ट साल के रणजी ट्रॉफी में सीजन में हम सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, यहाँ पे जो है रणजी ट्रॉफी में एक नई टीम जुड़ने जा रही है जिसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख जो है एक ऐसी टीम है जो कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी में हम सभी को खेलते हुए दिखाई देने वाली है। तो उसके अंदर जो है नए नए खिलाड़ी, नए नए टैलेंट जो है हम सभी को देखने को मिलेंगे लद्दाख की टीम की तरफ से। अब दोस्तों ये खबर आ रही है टीम इंडिया के डेब्यूटेंट नवदीप सैनी को लेकर। दोस्तों सैनी जो है पहले T20 मुकाबले में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन दोस्तों उसके मैच के अंदर जो है नवदीप सैनी को ICC की तरफ से एक डीमेरिट पॉइंट मिला, क्योंकि दोस्तों चौथे ओवर में जो है नवदीप सैनी ने जब भी निकोलस पूरन को आउट किया, तो दोस्तों आउट करने के बाद जो है नवदीप सैनी का जो एग्रेशन था, जो रिएक्शन था, वो दोस्तों काफी ज्यादा आक्रमण था। और ऐसे में जो है ICC ने नवदीप सैनी को वार्निंग दी है और कहा है कि तुम जो हो आइंदा से विकेट लेने के बाद ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाओगे, नहीं तो फिर उनके ऊपर जो है बैन या तो फिर सस्पेंशन भी लग सकता है। तो ये जो है ICC का नया नियम है कि वो जो है ज्यादा एग्रेशन फील्ड के ऊपर देखना नहीं चाहते। दोस्तों एट द एंड एक खबर आ रही है RCB के खिलाड़ी शिवम दुबे को लेके। दोस्तों ऑक्शन में जो है RCB ने शिवम दुबे को 5 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन IPL में जो है उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किए। लेकिन दोस्तों अभी जो है इंडिया ए वर्सेस वेस्ट इंडीज ए का मुकाबला चालू है, तो उसके अंदर जो है ये RCB का खिलाड़ी शिवम दुबे जो है अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी अच्छे फॉर्म से और अपने जो परफॉर्मेंस है वहां से सिलेक्टर का दिल जीत रहे। सबसे बड़ा सवाल, क्या RCB की टीम शिवम दुबे को छोड़ेगी ऑक्शन के लिए? अगर वो छोड़ती है 5 करोड़ रुपए उनके बैलेंस में आ जाएंगे। तो दोस्तों देखते तो ये लगता है कि जो RCB की टीम है वो दोस्तों शिवम दुबे को छोड़ना चाहेगी, उनके पास जो है 5 करोड़ रुपए बैलेंस में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज के दिन की सारी क्रिकेट की न्यूज आप सभी क्रिकेट लवर्स के लिए। तो दोस्तों कल भी जो है आप सभी के लिए ऐसे क्रिकेट की न्यूज ढूंढ के लेके आऊंगा। आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।